दोस्तों, हम लोग घर में बल्ब का इस्तेमाल तो करते ही है। पुराने बल्ब की तुलना में अब बल्ब काफी बदल चुके हैं। शुरुआत में फिलामेंट वाले बल्ब आते थे, उसके बाद ट्यूबलाइट की शुरुआत हुई। ट्यूबलाइट के बाद उसकी जगह CFL ने ले ली, और अब CFL भी मिलना बंद हो चुकी है, और अब CFL की जगह ले ली है LED लैंप ने, जो कि काफ़ी ज़्यादा रोशनी भी देता है और साथ में इससे बिजली की खपत भी कम होती है। हालांकि दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी बल्ब, चाहे वो फिलामेंट बल्ब हो या फिर ट्यूबलाइट या फिर CFL या फिर LED हो, वो ज़्यादातर कितने सालों तक चल सकता है खरीदने के बाद, आप कहेंगे कि कुछ बल्ब खरीदने के कुछ महीनों में ही खराब हो जाते हैं, लेकिन बल्ब अच्छी क्वालिटी के हैं तो 2-3 साल तक आसानी से चल ही जाते हैं। और अगर बल्ब अच्छी क्वालिटी का है और साथ में उसे ध्यान से इस्तेमाल भी किया जाए तो यही बल्ब 5-6 सालों तक भी चल सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसा बल्ब भी है जो पिछले 120 से भी ज़्यादा सालों से लगातार जल रहा है और अब भी लगातार जल ही रहा है और आगे कितने सालों तक और चलेगा ये पता नहीं है, तो आप हमारे इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा बल्ब सच में मौजूद है जो पिछले 120 सालों से भी ज़्यादा साल से चल रहा है। कहाँ है ये बल्ब, इसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों, हम जिस बल्ब की बात कर रहे हैं उसे सेंटेनियल लाइट के नाम से जाना जाता है। ये बल्ब साल 1901 में कैलिफोर्निया के लिवरमोर सिटी के फायर स्टेशन में जलाया गया था, और इस बल्ब का नाम दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाले बल्ब के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। दोस्तों, ये बल्ब असल में 30 वाट का है, लेकिन समय की मार का असर इस बल्ब पर भी हुआ है, जिसके चलते ये बल्ब अब 4 वाट के नाइट बल्ब जितनी ही रोशनी दे रहा है, लेकिन बल्ब चल रहा है। दोस्तों, कार्बन फिलामेंट वाले इस बल्ब को ओहायो की कंपनी सेल्बी ने तैयार किया था। हालांकि साल 1937 में ये बल्ब बंद हो गया था, लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि खराबी तारों में थी, बल्ब में नहीं, और तारों को बदलने के बाद बल्ब फिर से चालू भी हो गया। इसी तरह साल 2013 में भी यह बल्ब फिर से बंद हो गया था, लेकिन इस बार भी खराबी तार में ही निकली, जिसे ठीक कर दिया गया और यह बल्ब अब भी चल रहा है। दोस्तों, फायर स्टेशन के कर्मचारियों का कहना है कि यह बल्ब इतना पॉपुलर है कि दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं, जिसके चलते बल्ब की निगरानी के लिए CCTV कैमरा भी लगाए गए है, और कई बार तो इतने सारे लोग वहां पर पहुंच जाते हैं बल्ब को देखने के लिए, जैसे कि ये कोई फायर स्टेशन नहीं हो बल्कि म्यूजियम हो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सबसे लंबे समय तक चलने वाले बल्ब की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे भी ऐसी जानकारी से भरी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलती है अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही नई जानकारी के साथ।